मुरादाबाद के शिवनारायण स्थित मेथोडिस्ट गर्ल्स इंटर कॉलेज में जिला स्तरीय प्रदर्शनी का आयोजन कराया गया, जिसमें मुरादाबाद के माध्यमिक विद्यालयों के बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपनी कला के माध्यम से जागरूकता के संदेश भी दिए। मुरादाबाद के सिविल लाइन स्थित मेथोडिस्ट गर्ल्स इंटर कॉलेज में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस उत्तर प्रदेश द्वारा जनपद स्तरीय प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। विद्यार्थियों ने स्वच्छता, हरित और स्वास्थ्य एवं राष्ट्रीय हेतु विज्ञान, तकनीकी व नवाचार के विषय पर मॉडल बनाकर संदेश देने का प्रयास किया। आयोजक समिति द्वारा बताया गया, हर वर्ष ये प्रदर्शनी आयोजित की जाती है, जिसमें जनपद भर के माध्यमिक विद्यालयों के बच्चे बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और अपनी कला के माध्यम से जागरूकता के संदेश भी दिए जाते हैं। आज हमारे विद्यालय मेथोडिस्ट गर्ल्स इंटर कॉलेज में 27th राष्ट्रीय बाल विज्ञान प्रदर्शनी लगाई गई है। इसमें बच्चों के नए नए आइडियाज इन्वाइट किए जाते हैं और एक बाल विज्ञान या छोटे बच्चों को वैज्ञानिक प्रवृत्ति की ओर उन्मुख किया जाता है। और इसका जो टॉपिक है, जैसे स्वच्छता और हरियाली और स्वास्थ्य के लिए, इनकी विज्ञान संबंधी और इनोवेटिव आइडियाज़ के लिए इनके मॉडल्स इत्यादि इनवाइट किए गए हैं। और बच्चों ने बहुत ही मेहनत से बड़ा डाटा कलेक्ट करके अपने इस काम के लिए, इस प्रतियोगिता के लिए अपने को तैयार किया है और बहुत बच्चे प्रतिभागी हैं। और आशा की जाती है कि यही बच्चे आगे चलकर हमारे देश के लिए कुछ नया करेंगे, जिससे कि हमारे देश की उन्नति हो सके। आज जिन विद्यार्थियों द्वारा बेहतर प्रदर्शन किया जाएगा वो प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे। सभी बच्चों द्वारा दिए गए संदेशों की हर जगह सराहना भी की जा रही थी। जिला विज्ञान क्लब की ओर से विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार परिषद भारत सरकार का ये प्रोग्राम है, जो पिछले 27 सालों से निरंतर आयोजित होता है। और इसमें राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के आयोजन में बच्चे प्रोजेक्ट तैयार करते हैं और कार्यक्रमों में तो जैसे मॉडल बना लेते हैं, लेकिन इसमें विशेषता ये है कि प्रोजेक्ट बनाते हैं और विषय से जुड़ते हैं और स्थानीय स्तर की समस्या को लेकर के जब वो काम करते हैं तो उनकी एक वैज्ञानिक सोच विकसित हो जाती है। कितने बच्चे ने इसमें प्रतिभाग किया? इसमें मुरादाबाद में 281 टीमों ने, एक टीम में दो लोग होते हैं, तो 281 टीमों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इस वर्ष हुआ है। आज 109 प्रोजेक्ट जिला स्तर पर प्रतिभाग कर रहे हैं। इससे पहले 7 ब्लॉकों में अलग अलग स्थानों पर बच्चे प्रतिभाग करके चयन होकर के यहाँ पर पहुँचे। आगे क्या इनका? 4, 5 और 6 दिसंबर को गोरखपुर के अंदर इसका राज्य स्तर का कार्यक्रम होगा। तो जनपद से 4 ग्रुप चुने जाएंगे वो प्रतिभाग करने के लिए राज्य स्तर, यहाँ से वहाँ पर।